तू प्रवक्ता बन गया क्या भाई? तू बन लिए, तेरा इलाज यहीं करूंगे, ऑन कैमरा ध्यान रखिए। अतीक के कितने माइक, इतने कैमरे, इतने मीडिया के सामने इस तरीके की चीजें हो गई। अतीक के मुद्दे को इसलिए ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा ताकि सतपाल मलिक जी वाला मुद्दा दब जाए। जो गलत था मैंने गलत को गलत कहा। अगर आप किसी माफिया को, कोई भी हो, किसी जात का, बिरादरी का, धर्म का, समुदाय का, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बराबर का इंसाफ कीजिए ना सभी के प्रति, चाहे वो कोई भी हो। जो हुआ वो गलत था, सिस्टम के तरीके से और कानून में, संविधान में जो भी सजा थी आप उनको वो देते, क्योंकि जनता भी भयभीत हो गई। कितने माइक, इतने कैमरे, इतने मीडिया के सामने इस तरीके की चीजें हो गई। तो मैं भारत के सनातन धर्म से आती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म से। मैं आप पहुँचा रहे हैं, मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना अपमान कर रही हूँ मैं, आपको लग रहा है ना, तो तुम मेरा फांसी लगाओ, मेरी एसपीजी हटवा दिए। अभी तो कह रहा था कि हम हिंदू थोड़ी तो सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब तुम जैसे लोग मानसिकता फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम फैलाते हो, तुम जैसे लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपनी वीडियो वायरल करने के लिए? आप समर्थन करेंगे किस बात का? जय श्री राम का जो नारा लगाया है, सुनिए, सुनिए, जो हत्या हुई है वहाँ नारा लगाया है वो गलत है, लेकिन मैं अपने राम का समर्थन करती हूँ, अपने ईश्वर का समर्थन करूंगी, लेकिन वहाँ नारा लगाया वो गलत है। देश का मीडिया क्यों नहीं उठाए हुए इस टाइम? देखिए, कोई भी अगर आतंकवादी है, कोई आरोपी है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, कोर्ट उसके साथ में कुछ भी करे, लेकिन जो मीडिया के सामने हुआ है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम लोकतंत्र देश में रहते हैं। फिर सवाल उठते हैं पुलिस पर, फिर सवाल उठते हैं सिस्टम पर, सरकार पर उठते हैं, वो गलत है, लेकिन आरोपी के साथ में कोर्ट कुछ भी करे, जेल भेजे, फांसी चढ़ाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। अब इस मुद्दे से दबाया जा रहा है जानबूझ करके, इसीलिए ये वाला मुद्दा नहीं, इसलिए ये मुद्दा जो है आपने जिनका नाम लिया है उनके मुद्दे को, अतीक के मुद्दे को इसलिए ज्यादा हाईलाइट करा जा रहा ताकि सतपाल मलिक जी वाला मुद्दा दब जाए। लेकिन आप जैसे लोगों से मैं अनुरोध करती हूँ कि इस मुद्दे को दबने मत देना, जो भी गलत है इसमें वो सामने आ जाएगा, क्योंकि सबको पता है तानाशाह सिस्टम से चल रहा है देश में, और एक राज्यपाल इस तरीके से नहीं कहेगा। अगर राज्यपाल गलत है तो आप पीएम आए ना, कॉन्फ्रेंस करें, पत्रकारों से बात करें, यही मुद्दा, इसीलिए सारा जो ये रचा है खेल, मतलब इसीलिए जान की कोई कीमत नहीं है जो आप कह रहे हैं कि मामला दबाया जा रहा है। किसने कहा कोई कीमत नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल गलत है, ज्यादा तोड़ मरोड़ का जवाब सवाल करने की जरूरत नहीं है। कहा मैंने कि गलत है क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन कोई आरोपी को सरकार फांसी सुनाए, कोर्ट कुछ भी सुनाए, हमें कोई लेना देना नहीं है, कोर्ट उसका क्या निर्णय करती है। हमें मतलब है कि इतने सारे मीडिया के सामने जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, वो सिस्टम पर फिर सवाल उठते हैं, पुलिस पर सवाल उठते हैं। दूसरी बात, हम यहाँ पर इस मैदर के वो क्या है, क्या मैंने गलत बोला? गलत बोलते किस, सही किस, मानते देखे, देखे एनकाउंटर वाला जो है, दोनों तरफ से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे इस विषय में जानकारी है असद के फादर के, मैंने आपको जवाब दे दिया इस बात पर, ठीक। लेकिन लोकतंत्र देश में कानून तय करता है, कोर्ट कचहरी तय करती है, जज तय करते हैं कि किस आरोपी को किस मुद्दे पर क्या सजा दी जाएगी, ठीक है। वो उनका मैटर है, वो उनकी अपनी सोच है, वो उनकी सोच है, लेकिन कुछ भी है, लेकिन जो एक मीडिया के सामने इस तरीके की चीज हुई है वो लोकतंत्र देश में सही नहीं है। बाकी एक आरोपी को आप कुछ भी करिए, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि 40 जवान जो हमारे शहीद हुए थे पुलवामा पे, मुझे उस मुद्दे को उठाना है, और आपके इस चक्कर में हिंदू मुस्लिम वाले में मुझे नहीं आना है। ये आप कान खोल करके सुन लीजिए, जो गलत था मैंने गलत को गलत कहा, जो सही है मैंने सही को सही, जो अपराधी है, देखिए अपराधी नारेबाजी किया उसको मैंने बोला कि नारेबाजी करो, फिर नारेबाजी किया भगवान ईश्वर का नाम लिया, गलत है। मैंने तो बोला आप उनको उनपे मुकदमा करो, उनको जेल भेजो, जो संवैधानिक रूप में है। लेकिन इस मुद्दे में आप बार बार, मैं बहुत सारे मीडिया चैनलों को देख रही हूँ, आप बार बार बस यही मैटर उठाए हुए हैं, जो गलत हुआ है गलत है, उनके मुल्जिमों को पकड़ो, आप उन्हें कोर्ट में पेश करो, आप उन्हें सजा दिलाओ, कुछ करो, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ पर हम इस 40 जवानों की शहादत को नहीं दबने देंगे, ना उनके मुद्दे को दबने देंगे, सतपाल मलिक वाले मुद्दे को हम उठाएंगे। मानते नहीं मानते हैं सबको पता है कितने उन पे केस चल रहे थे, कितने क्या चल रहे थे सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत। देखिए जो उन पे केस चल, सुन लीजिए, कोर्ट ने उनको केस में कुछ केसों में सजा सुनाई थी, कुछ में नहीं सुना। जिस पे कोई सजा का अगर किसी पे हो गया तो सबको पता है, जिसको अगर सजा हो गई है तो वो व्यक्ति गलत है, सबको पता है। तूने नहीं सुनी क्या सजा? तूने नहीं सुना था भाई? राहुल गांधी को भी हुआ है सजा, राहुल गांधी को सजा इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने मुकर गया। हमारे पास एक और प्रावधान था कि हम ऊपर जा सके, 2 साल वाला हुआ है, लेकिन हमारे पास तो प्रावधान है ना कि हम और भी ऊपर जा रहे हैं, वो क्यों नहीं गए? उसके परिवार वाले भी जाते, मैंने कहा ये बोला नहीं जाते, सबके लिए कोर्ट बराबर है। दूसरी गलत, सुनिए मेरी बात, अतीक की हत्या कर उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए, क्या उसका समर्थन करेंगे आप?
भगवान का, ईश्वर का कहीं गलत जगह पर नाम लेना निहायत ही गलत है। और ये किसी भी उसको बढ़ावा देने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए एक समुदाय के खिलाफ, इसमें आप क्या सोचते हैं कि एक समुदाय के खिलाफ रक्षा कर रहे थे, आपकी तरह नहीं है। तो फिर तू सपोर्ट कर उसका, कर करके डेली हिंद सपोर्ट करे, कर करना की सपोर्ट कर, कैसे चुप हो गया अब? हमारा हिंदू धर्म थोड़ी है, हम सपोर्ट करेंगे। कहे तो तुम हिंदू धर्म को सपोर्ट नहीं करते हो? करते नहीं हो? अगर तेरा हिंदू धर्म होगा तो ही सपोर्ट करेगा भाई, है? और अगर तेरा मुस्लिम धर्म है तो तू सपोर्ट नहीं करेगा? इस भारत देश में सभी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, इसलिए अभी तो कह रहा था कि हम हिंदू थोड़ी तो सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब तुम जैसे लोग मानसिकता फैलाते हो, हिंदू मुस्लिम फैलाते हो, तुम जैसे लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को अपनी वीडियो वायरल करने के लिए? समर्थन करेंगे किस बात का? जय श्री राम का जो नारा लगाया है, सुनिए, सुनिए, जो हत्या हुई है वहां नारा लगाया है वो गलत है, लेकिन मैं अपने राम का समर्थन करती हूँ, अपने ईश्वर का समर्थन करूंगी, लेकिन वहां नारा लगाया वो गलत है। पूनम जी, ऐसी मतलब तुम लोग भी मुझे इसी मैटर में उलझाना चाहते हो, मैं नहीं उलझने वाली हूँ, ध्यान रखना। आप उलझा नहीं रहे, मुझे मत उलझाने की कोशिश करना। उत्तर प्रदेश से आते हैं, मैं देश से आती हूँ, मैं भारत से आती हूँ। चार और तीन और पल गए, माफिया खत्म, तीन और पल गए। अखिलेश यादव कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। अगर अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि दोनों ही एक हैं, तो फिर वो काहे नहीं आकर के बैठ करके ये कहते कि मैं बिल्कुल आज पूरे देश में धरना करूंगा, महंगाई के खिलाफ करूंगा, कांग्रेस जो है नहीं धरना करती है, मैं युवाओं के समर्थन में पूरे देश में वो लगाऊंगा, रैली निकालूंगा। क्यों किसके लिए ना कर रही, किसके लिए कर रही, क्यों आप कर रही नहीं? क्या कांग्रेस के पास? अच्छा, क्या नहीं बचा? क्या बचा? तीन राज्यों में सरकार है हमारी, ठीक है, और आने वाले समय में अब बनने वाली है एक में, ठीक। और जिस समय 1984 में भारतीय जनता पार्टी की दो सीटें थी पूरे देश में, जब हम लोग ऐसी विचारधारा नहीं रखते थे जैसी तुम रखते हो, और इस देश को बर्बाद करने में तुम जैसे लोगों का ज्यादा योगदान है कि कांग्रेस का क्या है, क्या नहीं है कांग्रेस का, क्या नहीं है, क्या नहीं है कांग्रेस का? कांग्रेस के साथ नहीं दिया तो पकड़ो फिर, अगर वो गलत है तो पकड़ो, गलत है तो पकड़ो, कानूनी कार्रवाई करो। अखिलेश यादव आप लोग से साइड हो गया, बोला मैं कांग्रेस के साथ नहीं हूँ। ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम कितनी कर लो तुम, कर लो मतलब वहाँ पे मुसलमान की हत्या, किसने बोला, किसने बोला हत्या है, किसने बोला सही, किसी ने सही, किसी ने समर्थन किया? सुनिए, समर्थन किया? तुम जैसे लोग मानते हो, अभी कह रहे थे भाई मैं हिंदू थोड़ी हूँ जो हिंदू का समर्थन करूँ, तुम ही मान रहे हो, हमने तो गलत को गलत कहा। फरार चल रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं? अगर वो गलत है, नाकामी है, सुनिए, अगर वो गलत है तो बिल्कुल उसको पकड़ा जाना चाहिए, गलत है, सजा मिलनी चाहिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है सजा मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, फरार लोग हो जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, इसमें क्या है? एक महिला है, फिर मैं कहा फरार, मैं फरार हूँ, मैं फरार हूँ, नई बात कर रहा, बताओ मैं फरार हूँ क्या? मैं महिला हूँ, यू मेरा गुनाह, मैं महिला हूँ, यू गुनाह मेरा है? आप भी इस तरीके की बात तो करते हैं, अगर मैं क्राइम करूंगी तब ढूंढेंगे ना, तो अच्छी बात है, ढूंढना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। सिस्टम विरोध तो कर रहे हैं, गलत बात का तो विरोध करती हूँ, नीतियों का, बाबा का नहीं कर रही हूँ, उनकी नीतियों का कर रही हूँ। अगर मैं विरोध, हिंदू का विरोध, तू कर रहा है हिंदू का विरोध, जरा देखो तुझे भाई, एक बार इस पे ही घुमाओ कैमरा एक बार, सारे बाबा का विरोध, अरे हिंदू का विरोध, अरे हम अपने सनातन धर्म से कौन हमारा विरोध करेगा, तेरे जैसे करेंगे, जरा करके दिखाओ जरा तुम। बाबा का जिंदा है आप? हाँ, अच्छा, बाबा नहीं थे तो हम जिंदा नहीं थे, मेरा 96 का जन्म है, दिमाग को ठीक रख किया, ठीक, बाबा पहले मैं जिंदी जब मैं मुख्यमंत्री ना आए, उस टाइम बाबा जी राजनीति में आ गए थे, तो फिर उनकी वजह से ही जिंदी हूँ मैं तो जिंदगी में बाबा से मिली नहीं, मेरे को मिलने नहीं दिया, और तुम जैसे लोग होंगे बाबा की वजह से जिंदा, मैं अपने अपने कर्तव्य की वजह से और मैं अपने माता पिता की वजह से जिंदा हूँ। कांग्रेस के नेता भी समझ में, सारे देश को लूटा है, जिन्होंने गलत किया है वो सारे चले जाओ, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बताओ, जिन्होंने गलत किया है देश में, अगर कोई भी व्यक्ति है जिन्होंने देश के साथ, देश की जनता के साथ गलत किया है, चले जाओ, चाहे वो बीजेपी वाले हो, चाहे वो बसपा वाले, समाजवादी वाले, कांग्रेस वाले, आम आदमी वाले, कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई गलत व्यक्ति है। जांच बैठाया जाएगा कि 70 सालों में देश कहा इतना पीछे क्यों रहा है। अच्छा, उसको भी जेल में अब जो 2014 से जो चल रहा है और जो देश चलागा 62 साल पीछे, और उसकी कौन गारंटी लेगा है? देश में सुई ना बने, तुम्हारे दिमाग खराब है जो तुम आज इसको कैमरे सिस्टम को लिए घूम रहे हो ना, ये सब कांग्रेस की देन है। टेक्निकल कौन लेके आया, कार गाड़ी किसका सपना था? आए, अच्छा, मोदी जी थे उस समय, मोदी जी का था उस समय सिस्टम, 14 के बाद का कैमरा है क्या भाई तेरा? यू ये माइक 14 के बाद आए क्या है? मतलब बुद्धि ही लोग हो गए बिल्कुल ही। आज एक सवाल आप ये बताइए, तू तो कर ले भाई, आप उत्तर प्रदेश में रहते फिर ना रहो, गुंडागर्दी ना रहो, ना रहो उत्तर प्रदेश में, नुचावे में भाग जाऊं, फरार हो जाऊं, गुंडागर्दी खत्म हुई नहीं हुई? सभी लोगों को पता है कितना गुंडागर्दी खत्म हुआ, कितना नहीं हुआ है, कितने सारे लोग पीड़ित हैं। अभी मैं बुलंदशहर से आती हूँ, जहांगीराबाद में 3-4 साल की बेटी का बलात्कार हो गया, तो आप क्या कहोगे इसको, क्या कहोगे?
बताओ है जवाब तुम्हारे पास कुछ? गुंडागर्दी क्या खत्म होता है? ये नहीं होता कि आपने दुनिया के सामने एक को मार दिया, फांसी चढ़ा दी, गुंडागर्दी खत्म होगी। आप सिस्टमैटिक चीजों को सुधारो तो हम भी सही बात का समर्थन करेंगे। करेंगे नहीं क्या? तो लग रहा है बाबा काम नहीं कर रहे सही से, माफिया को मिट्टी में नहीं मिला रहे हैं। तो फिर उन्होंने टैनी के यहाँ पे क्यों नहीं बुलडोजर चलाया, जिन्होंने किसानों को रौंदा था, जिस आदमी ने, काहे को नहीं चलाया? तो भाजपा के नेता है, फिर नेता है तो नेता है अगर वो 5 आदमी को मार सकता है, 6 आदमी को मार सकता है, तो उस पर यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा? ये दुपला व्यवहार, इसके हम लोग खिलाफ है, ये गलत है। अच्छा हाँ, अगर आप किसी माफिया को, कोई भी हो, किसी जात का, बिरादरी का, धर्म का, समुदाय का, हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बराबर का इंसाफ कीजिए ना सभी के प्रति, चाहे वो कोई भी हो। अतीक की जब हत्या हुई तो लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाई, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं तो ये कहूंगी जो हुआ वो गलत था सिस्टम के तरीके से, और कानून में, संविधान में जो भी सजा थी आप उनको वो देते, क्योंकि जनता भी भयभीत हो गई। कितने माइक, इतने कैमरे, इतने मीडिया के सामने इस तरीके की चीजें हो गई, तो लोगों के मन में भी उम्र कैद दी थी ना यार, बोलने दो ना यार, बोल रही है तो बीच में टपक जाते हो, क्या बोलेगी वो? ये भी इसका चलाना आप काटना मत, ठीक है? हाँ, क्या कह रहे थे? जो मतलब इतने सारे कैमरों के सामने, इतने सारे पत्रकारों के सामने, फिर यहाँ सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है आम जनता की भी, फिर यहाँ सुरक्षा पर सवाल उठ जाता है जितने बड़े बड़े हमारे नेता हैं, देश की धरोहर हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, वो भी लोग हैं, और भी लोग हैं सत्ताधारी पार्टी में, फिर उनकी सुरक्षा पर बात आ जाती है कि एक इतने सारे मीडिया के सामने ऐसा हो जाता है। एक व्यक्ति अगर कोई आरोपी है, उसको सजा सुनाया, वो सजा में उम्र कैद हो गया, फांसी हो गया, जो हो गया, वो एक सिस्टम की चीज़ें हैं, लेकिन इतने सारे कैमरों के सामने ये सिस्टम पर सवाल उठाता है। लेकिन लोगों ने जश्न मनाया, ये लोगों जो, मैं तो बताऊं हमारे यहाँ तो अगर कोई दुश्मन भी अगर मर जाता है तब भी नहीं मुस्कुराते हैं, ये हमारे सनातन संस्कृति की परंपरा है। जो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं वो हो गए गिद्ध, क्योंकि लाशों पर गिद्ध मुस्कुराते हैं, ये सनातन संस्कृति की परंपरा है। अगर कोई मर जाता है तो उस पर मुस्कुराते नहीं है। तो क्या लग रहा है कि लोग हिंदू धर्म को नहीं मानते जो खुशियाँ मनाई है? देखिए मैं तो सनातन धर्म से हूँ, मेरा धर्म तो सनातन है। हिंदू नहीं है आप? नहीं, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं होता, तो सनातन धर्म। हिंदू क्या है? हिंदू लोगों को भड़काना, लोगों में मोहब्बत को दूर करना, लोगों को झगड़ाना, ये है सनातन है। प्रेम, शांति, मोहब्बत, इज्जत, सम्मान, स्वाभिमान, ये सनातन है। तो मैं भारत के सनातन धर्म से आती हूँ, भारतीय जनता पार्टी के हिंदू धर्म से नहीं। आस्था को ठेस पहुंचा रहे, आप पहुंचा रहे हैं। मैं सनातन धर्म से हूँ, मैं अपने सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। आपको लग रहा है ना अपमान कर रही हूँ मैं? आपको लग रहा है ना? तो तुम मेरा फांसी लगा, मेरी SPG हटवा दिए कह के, ठीक है? आपके पास है गार्ड? हाँ, तो मैंने बता दिया SPG हटवा दी, और कहा क्यों हटवा दी भाई तू? मैं तो सनातन धर्म को जानती हूँ, जिसने शांति सिखाई, मोहब्बत सिखाई, प्रेम सिखाया, भाव से जानते हैं आप? मैं नहीं जानती जीरो भी, मैं नाम तो एक बार भी आपने नाम नहीं लिया। नहीं नहीं, क्यों नहीं लिया? निकालो वीडियो, निकालो, लिया नहीं लिया, निकालो ना। अतीक को कितना जानते मैं हैं? इतना जानती हूँ कि ये आपका हत्या हुई, और फिर उससे पहले एक हत्या हुई थी जिसमें सजा हुई, इतना सिर्फ मैं जानती हूँ, ज्यादा मैं नहीं जानती। अतीक को नहीं जानते हैं? नहीं, मैं ज्यादा नहीं जानती। विधायक का चुनाव लड़, मैं ज्यादा नहीं जानती, वो सांसद थे और उन्होंने ऐसा हत्या वत्या में उनको सजा हो गई थी, मैं इतना जानती हूँ। और मैं विधायक का चुनाव लड़ी हूँ 2022 में, और उनका कैरियर है बहुत पुराना, ठीक है? मुझे ज्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है। सम्मान मिलना चाहिए अतीक को, किस बात का? संसद में, संसद में। सुनिए मेरी बात, सुनिए, जब संसद में वो थे तो उनको खूब सम्मान भी मिलता था, ऐसा नहीं है नहीं मिलता था, ये तय करेगा संसद। मैं संसद में नहीं हूँ, ये तय करेगा संसद, संसद तय करेगा, उनके स्पीकर तय करेंगे कि सम्मान मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ये तय करेगा उनका वहाँ का अपना सिस्टम। जिस दिन मैं संसद में बैठ जाऊँगी, चली जाऊँगी, सही को सही और गलत को गलत, मैं पूरे अच्छे से ध्यान रखूँगी। क्या लग रहा है अतीक के परिवार को ख़त्म किया जा रहा है? इस विषय में मैं क्या बोलूँ, ख़त्म किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है, इस विषय में मैं कुछ इसलिए नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग सभी बोलते कि ख़त्म किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो पहले भी ये लोग रहे हैं और सरकार को काफ़ी समय भी हो गया, लेकिन जो सिस्टम के सिस्टम के होते सोते ये हुआ, ये गलत है, ठीक। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी भावना रखता हो कि किसी के परिवार को आप ख़त्म कर दो, अतीक का परिवार हो वो, चाहे वो जाहिद का हो, चाहे वो पूनम पंडित का हो, ये अगर कोई सोचता है कि किसी चीज़ को ख़त्म किया जा रहा है तो ये बिल्कुल गलत सोचता है, क्योंकि ये भारत है, इसमें सभी प्रेम से रहते हैं और हम प्यार मोहब्बत से सब रहना जानते हैं। जिन्होंने गलत किया है, चाहे वो मैं हूँ, अगर मैंने किसी को सताया तो मेरे परिवार को भी सताया जाएगा, दुखाया जाएगा। अगर मैंने सबको प्रेम बांटा है, मैंने प्रेम सीखा अपने माँ बाप से, मोहब्बत सीखी है, तो मैं सबको प्रेम बांटूंगी, मुझे भी प्रेम मिलेगा, दैट्स इट।